नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट ऑफ ट्रेड। आज के वीडियो में हम डेन नेटवर्क सर का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चार्ट एनालिसिस करने से पहले हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ओनर को पता कर लेते हैं। अगर आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे डेन नेटवर्क को लेकर, उसका होम पेज आ जाएगा एंड अगर आप ओनर देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री इन 2018 अलॉन्ग विथ हैथवे। अब हम चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, जियो के पास जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 35.94% शेयर होल्डिंग है। जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग पास है 15.47 शेयर होल्डिंग। जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग के पास है 15% शेयर होल्डिंग। अगर आप सॉम कर लेंगे अराउंड 66% शेयर होल्डिंग यहाँ पे है रिलायंस इंडस्ट्री के पास, जो कि जियो है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का सब्सिडियरीज है। ओके, तो यहाँ पे मेजरली जो एक कंपनी को होल्ड कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी जो है जीरो डेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो देखिए डेप टू इक्विटी 0.01 है, जीरो डेप्ट कंपनी है। एंड इसका सेक्टर क्या है, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया का, जो कि मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि बिकॉज ऑफ 2024 इलेक्शन मीडिया सेक्टर में बूम आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्ड प्ले होगा, हाई प्रोबेबिलिटी की एक बार अब मूव दिखा सकता है मीडिया सेक्टर। ये तो हो गया इलेक्शन की वजह से, उसके साथ टेक्निकल चार्ट में भी शो कर रहा है। जैसे कि इसका जो पियर्स है जी एंटरटेनमेंट, सॉन टीवी, TV18, Network18, आप किसी भी स्टॉक के ऊपर फोकस कीजिएगा, जो कि ऑलरेडी हम जी एंटरटेनमेंट का एनालिसिस भी किए थे, आप जाकर बैक करके देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर से स्टॉक बिलोंग कर रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है निफ्टी मीडिया वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट। बहुत बार चार्ट को एनालिसिस किए, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा दोस्त हमारा नया नया ज्वाइन होते चैनल के साथ, जिसकी वजह से उनको पता होना चाहिए। एंड जो डिटेल्स मीडिया सेक्टर का एनालिसिस है, ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए, निफ्टी मीडिया वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट में 2012 में जिस टाइप का यहाँ पे मूवमेंट हुआ था ना आउट परफॉर्म के बाद, एग्जैक्टली इस टाइप का यहाँ पे आउट परफॉर्म देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए डबल बटन था, इस टाइप का आउट परफॉर्मेंस, एंड ये था डबल बटन एंड इस टाइप का आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। यहाँ पे रेशियो चार्ट क्या बोल रहा है, निफ्टी मीडिया निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड रेशियो चार्ट क्या है एंड कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी वीडियो को देख लीजिएगा। अभी इस चार्ट से समझ में आ रहा है कि आज पर तो रेशियो चार्ट निफ्टी मीडिया सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी मीडिया का प्राइस स्ट्रक्चर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने अभी निफ्टी मीडिया का मैं चार्ट ओपन कर लिया हूँ। देखिए, निफ्टी मीडिया का जो लॉन्गर स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि हम हमेशा से एनालिसिस किए हैं कि प्राइस हमेशा एक चैनल को फॉलो करता है। एग्जैक्टली देखिए, इस चैनल को प्राइस यहाँ पे फॉलो कर रहा है एंड यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक फ्लैग बनाया है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस जाकर इस अपर बाउंड्री को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, जो कि नियरली टेस्ट करेगा 2024 जुलाई अगस्त के आसपास, उसके आसपास जाकर प्राइस ओ लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसलिए मीडिया सेक्टर में आपको फोकस रखना है। डेन नेटवर्क हो गया, नहीं तो अदर स्टॉक हो गया, किसी भी स्टॉक के ऊपर आप राडार में रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेन नेटवर्क वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने अभी डेन नेटवर्क वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट ओपन किया। देखिए, ये हो गया उसका चैनल। हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस हमेशा से चैनल को फॉलो करता है। देखिए, चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अभी आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है। किससे आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, निफ्टी 500 से, जो कि क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे, एक रेंज को प्राइस यहाँ पे ब्रेक करके आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले टाइम में प्राइस इस चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जा सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेन नेटवर्क वर्सेस निफ्टी 50 का रेशियो चार्ट। देखिए, आपके सामने अभी डेन वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट ओपन किया हूँ। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन प्राइस के लिए मल्टी ईयर का सपोर्ट, जिस लेवल को यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम देखिए टेस्ट किया है एंड यहाँ पे बेस बनाने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे जो यहाँ पे अपर बाउंड्री था
उसको अभी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन जिस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है, शायद नेक्स्ट वीक में एक बार पुल बैक आने के बाद, अंडर परफॉर्मेंस आने के बाद, इस टाइप का ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है डेन वर्सेस निफ्टी का राशि चार्ट, लेकिन 500 में ब्रेकआउट आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसको भी ब्रेक कर देगा, आइदर एक दो वीक कंसोलिडेशन के बाद, नहीं तो फाइनली ब्रेकआउट कर देगा, जिस टाइप का सेटअप दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बेस्ट फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेन वर्सेस निफ्टी मीडिया का चार्ट। देखिए आपके सामने अभी डेन वर्सेस निफ्टी मीडिया सेक्टर का चार्ट ओपन हुआ है, जिसमें प्राइस देखिए यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड जैसे ही प्राइस इस बेस के यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद और भी कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में प्ले करना चाह रहे हैं, कभी भी एक साथ क्वांटिटी मत लीजिएगा, हमेशा से स्टार्टिंग कीजिएगा वाटर टेस्ट क्वांटिटी के साथ, क्योंकि आपको लेना है 300-500%। अगर आप 30-40% लेना था तो ठीक है, आप कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं फुल्ली क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर आपको बड़ा प्ले करना है, हमेशा से धीरे धीरे करके, हमेशा प्राइस कॉन्फर्मेशन देता है एंड आपको धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करना है, क्योंकि आपको यहाँ से बड़ा रिवार्ड लेना है, ना कि 30-40% लेना है। इसीलिए नीचे का अगर लो क्वांटिटी के साथ नीचे का 30-40% मिस हो जा रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेन नेटवर्क्स का चार्ट स्ट्रक्चर। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है डेन नेटवर्क का, टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ वीकली। देखिए प्राइस यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम एक चैनल को फॉलो कर रहा है, जो कि दोनों ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, लेकिन इन बिटवीन प्राइस देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था 2020 से। देखिए इस चैनल को प्राइस यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जो कि यहाँ पे दोनों मैं ब्लू लाइन ड्रॉ किया हूँ, एंड इस चैनल को प्राइस ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए लास्ट वीक में, अभी जो वीक कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा वीकली मार्बल कैंडल देखने को मिल रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आने वाले टाइम में प्राइस यहाँ पे जो स्विंग लो बना है 32 को ब्रेक नहीं करता है, तो हम आराम से जाकर इस अपर बाउंड्री को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि लेवल बन रहा है 60 के आसपास। फिर से नेक्स्ट टारगेट बनेगा जब 60 के आसपास प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, फिर से जब ब्रेकआउट आएगा नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो अभी के लिए 42-32 अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, वो बन रहा है नियरली 30% के आसपास। तो आप यहाँ पे अगर कुछ पुल बैक आएगा, पुल बैक में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश है एंड हमेशा से आपका रिस्क एंड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके चेंज होता है एंड हमेशा से कभी भी एक साथ क्वांटिटी मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बड़ा सा बड़ा प्लेयर भी ना, रमेश दमान जी हो गए, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए एंड विजय केडिया जी हो गए, सारा जितना बड़ा इन्वेस्टर है, वो हमेशा से और लो क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर उनको 100 करोड़ का माल बाय करना है ना, वो स्टार्ट करते हैं 10-5 करोड़ से, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे करके कॉन्फर्मेशन आता है, उसके बाद वो क्वांटिटी को ऐड करते हैं। इसलिए एक साथ क्वांटिटी कभी भी मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जब भी आपका डायरेक्शन में प्राइस चलेगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।